जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। भजन संहिता 138 अध्याय का तीसरा वचन। जिस दिन मैंने पुकारा उस दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाव बंधाया। और दूसरे वचन में, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर की यही इच्छा थी अपने जो दाऊद है दास उसको इसराइल देश में राजा के रूप में रखना है, लेकिन चारों तरफ का जो दुश्मन थे यबूसी कानानी और यमूरी ये सब दाऊद को राजा बनाने के लिए मंजूर नहीं था, वे उस पर विरोध काम किए। लेकिन दाऊद ने ऐसे ही नहीं रहा, उनके खिलाफ जो दुश्मन खड़े हुए हैं उन सारे दुश्मनों के खिलाफ जो भी राजा बनाने के लिए विरोध काम किए हैं वो सारे राज्यों के विरोध ने दाऊद ने परमेश्वर से विनती किया। इसी विनती को यहाँ पर देख सकते हैं, परमेश्वर ने दाऊद को विनती को सुन के और उनको राजा बनाए, राजा बन के वो दाऊद सफल के साथ 40 साल वहाँ पर राज्य किया। परमेश्वर की योजना ही आखिर पूरी हुई, कम से कम 40 साल दाऊद ने वहां शासन किया। दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, कारण ये परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। इसलिए मेरे प्यारों, आज आपके बीच में एक प्रश्न को मैं उठाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आपकी आत्मिकता के लिए आशीष दी, समृद्धि दी है, तो क्या परमेश्वर को आपने धन्यवाद दिए? जरूर दिए होंगे। लेकिन जब कभी आपकी प्रार्थना प्रभु ने सुना, प्रार्थना सुन के परमेश्वर ने उत्तर दिया, तो क्या उस प्रार्थना की उत्तर के लिए प्रभु को दिल की गहराई से आपने धन्यवाद दिया है? कितनी बार परमेश्वर ने हमें बचाया, यात्रा का दौरान खतरों से प्रभु ने बचाया, बीमारी से परमेश्वर हमें दूर रखा है, तंदुरुस्ती दिया है, ये सारी बातों को समझ के क्या प्रभु को आपने धन्यवाद दिए हैं? उतने बड़े महान परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, तो इसलिए दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद देना है। हे प्रभु, मैं नालायक हूँ, आपने मेरे पक्ष में मेरे ओर आके मेरी प्रार्थना को सुन के इतना तूने मेरे लिए रहम किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, करके प्रभु को आप धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया।